सूबे में टिड्डी दल के नुकसान से फसलों, जमीनी और मकामी अफराद को महफूज रखने के लिए हिकमत अमली का जायजा लेने के लिए चीफ सेक्रेटरी पंजाब जवाद रफीक मलिक की ज़ेर सदारत आज लाहौर में अहम इजलास हुआ। सीनियर मेंबर बोर्ड ऑफ रेवेन्यू, सेक्रेटरी ज़रात, DGPDMA और आला फौजी हुकाम ने शिरकत की। इस मौके पर चीफ सेक्रेटरी पंजाब का कहना था कि प्रोफेशनल डिज़ास्टर मैनेजमेंट अथॉरिटी समेत तमाम मुतलका महकमों, महकमा ज़रात, महकमा जंगलात और लाइफ स्टॉक को टिड्डी दल के खात्मे के लिए मुश्तरक तौर पर साइंसी बुनियादों पर काम करना होगा ताकि न सिर्फ खरीफ बल्कि दीगर फसलों को भी महफूज बनाया जा सके। इस मौके पर सीनियर मेंबर बोर्ड ऑफ रेवेन्यू बाबर हयात तारण ने इजलास को बताया कि टिड्डी दल से मुतासर इलाकों में स्प्रे के लिए 150 गाड़ियां, 260 मोटरसाइकिलें इस्तेमाल की जा रही हैं और अब तक 1,14,406 हेक्टेयर रकबे को कवर किया जा चुका है। उन्होंने कहा कि 760 सोलो पावर मशीनें और 20 जेटू मशीनें स्प्रे के लिए इस्तेमाल की जा रही हैं। उन्होंने मज़ीद बताया कि सीनियर मेंबर बोर्ड ऑफ रेवेन्यू की सरबराही में एक वर्किंग ग्रुप काम कर रहा है जिसमें खजाना, ज़रात, लाइफ स्टॉक और जंगलात के महकमों के एडमिनिस्ट्रेटिव सेक्रेटरी शामिल हैं। इसके अलावा DG एग्रीकल्चर, DGPDMA और चोलिस्तान डेवलपमेंट अथॉरिटी और आर्मी के नुमाइंदों पर मुश्तमिल एक कोर कमेटी टिड्डी दल के खात्मे के लिए तैयार की गई हिकमत अमली के तहत काम कर रही है। चीफ सेक्रेटरी ने कहा कि लोकेस्ट काम ऑपरेशन के लिए तमाम मतलूबा फंड्स फराहम किए जाएंगे और हवाई स्प्रे के लिए हवाई जहाज़ की फराहमी के लिए हुकूमती सतह पर बात की जाएगी। इजलास में मकामी सतह पर 3.25 लाख रुपए की लागत से तैयार की गई स्प्रे मशीन के हौसला अफजा नताज मिलने पर मजीद स्प्रे मशीनें तैयार करने का फैसला भी किया गया। कैमरामैन मोहम्मद इमरान के साथ मकसूद खालिद, मशरिक न्यूज़, लाहौर।